गाइस गुड इवनिंग। जैसे देख सकते हैं आप, ये है जंगली सब्जी, पहाड़ी सब्जी, और ये पानी के किनारे पाई जाती है और ये गर्मी होते ही स्टार्ट हो जाती है होनी। तो ज़्यादा पक्की इसे नहीं खाते, जब सख्त हो जाती तो फिर तब तो नहीं खाते हैं, और जब नरम है तो तब खाते हैं। आज बनाने जा रही हुई इसी को मैं बाज़ार से परचेज़ की थी मैंने, और इसे अभी बाल इसके साफ़ करने पड़ेंगे, वरना बाल रह जाए तो पेट में दर्द होती है इसको खाने से। और इसकी तासीर जो है बहुत गर्म होती है और गुण में तो भरपूर है ये। पहले इसको करना क्या है, अच्छे से छांटना है, फिर धोना है, बारीक काट के उबालना है इसे नमक डाल के, और उसके बाद सिंपल तड़का लगाना है, क्योंकि इसका जो नेचुरल फ्लेवर है वो ख़त्म ना हो जाए। तो इसमें मैं प्याज भी नहीं ऐड करूंगी, सिर्फ जीरे का तड़का लगाऊंगी ताकि इसका फ्लेवर उबर के रहे। बहुत ही स्वादिष्ट होती है ये। धनिया डालना है थोड़ा सा, और जीरा डालना है, और लाल मिर्ची डालनी है। इन तीन चीज़ों से इसका फ्लेवर जो है उबर के आएगा। आप तेज़ गंध वाले मसाले डालेंगे या प्याज डालेंगे या लहसुन, तो इसका गंध, इसका फ्लेवर जो है ख़त्म हो जाएगा उन चीज़ों से, क्योंकि लहसुन की गंध भी बहुत तेज़ होती है और प्याज की भी बहुत तेज़ होती है। तो इसके नेचुरल फ्लेवर को टेस्ट करें, बहुत ही टेस्टी होती है ये। सूखी बनानी है बिल्कुल, रत्ती भर भी पानी नहीं रखना इसमें, अच्छे से स्लो आंच में पकाना इसे। और पहले तो इसके बाल छांटने में टाइम लगेगा बहुत, एक एक बाल है ये, सारे निकालने होंगे, वरना ये पेट में दर्द कराते बहुत ज़्यादा, बहुत होते। ये बचपन में मैं खाया करती थी, जैसे बच्चे होते थे तो जल्दी, जैसे हम बचपन में बच्चे ही होते थे, समझ भी नहीं होती थी, तो जल्दी जल्दी काट के आधे बाल भी रह जाते थे उसमें। तब मैंने महसूस किया कि इसके बाल रहे तो बड़े टोकते थे, भाई बाल वाले क्यों बनाए, तब उससे पेट दर्द होती है बहुत ज़्यादा, मरोड़ होते हैं इससे बालों से, ये पेट में तो बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए। तो इसलिए बोलते हैं कि बाल इसके अच्छे से साफ़ करने हैं, और अच्छे से धो के फिर जो जो साफ़ है वही कट करनी है। और उसके बाद थोड़ी सी पुरानी सी हो गई है ये, क्योंकि मार्केट में ढेरों ढेर आई है, और क्या पता कब से आई हुई है, जंगलों से लाते लोग बेचते हैं तो थोड़ी इतनी फ्रेश तो नहीं होती है, मार्केट तक पहुंचते पहुंचते ये बासी हो जाती है। जैसे गांव में उसी टाइम निकाल के लाते, उसी टाइम बना लो, तो सुखा के भी रखते थे हम पहले, बैग भर भर के ले जानी, और खूब ढेर मिलती थी और सुखा सुखा के रखते थे, और फिर एक मुट्ठी भर भिगने डाल देनी, और सर्दी में बनाओ, जहाँ बर्फ़ वाली जगह तो सर्दियों में नहीं होती हरी सब्जियाँ, तो उस टाइम एक मुट्ठी भिगने डालो, ये है, या बंद गोभी, इन्हें सुखा के रखते थे, टमाटर को भी सुखा के रखते थे, फिर जैसे ही तड़का लगाना तो थोड़ी देर पानी में भिगने डालो, और ऐसे लगता था कि फ्रेश है और ताज़े टमाटर काट रखे हैं, और ये भी सुखा के रखते थे तो ये भी ऐसे लगते थे उस दौरान जब भिगने डालते तो ताज़े। बंद गोभी का भी यही हाल था कि जैसे ही हम मुट्ठी भर भिगने डालो तो पूरा डोंगा फुल हो जाता था एक मुट्ठी से सूखी हुई गोभी से, और फ्रेश हो जाते थे उसके पत्ते भी, बिल्कुल ताज़े लगता था, अभी तोड़ के अभी काटिए ताज़ी। तो बर्फ़ की जगह में नहीं होती है, तो इस तरह से स्टोर करके रखते थे पहले। ये देखें, अब इसे मैं छांटती हूँ और फिर बताती हूँ आगे का प्रोसीजर। अभी इसे टाइम लगेगा छांटने में, धोने में, फिर कट करने में। तो बने रहिए आप वीडियो में, मैं करती हूँ इसका साफ सफाई का काम, फिर कट के फिर दिखाती हूँ मैं आपको कैसे बनाते हैं इसे, पट से कैसे साफ होगी। इसका तरीका एक ही है, जैसे ये मार्केट में थैलियाँ होती सब्जी वाली, तो इसको पकड़ पकड़ के फटाफट, इससे एक खसरी सी होती है खुरदरी सी, तो इससे फटाफट ये बाल खींच के निकल जाते हैं सारे। तो इस थैली से करूँगी मैं साफ। ये देखिए, जो सब्जी लाते रद्दी में होती है ये थैलियाँ, जैसे सब्जी वाली बची होते बैग्स, तो इससे करूँगी मैं अभी साफ फटाफट, इससे जल्दी से। पहाड़ी सब्जी जो मैंने बताई लिंगड़, इसको छांटने का तरीका, ऐसा बैग ले जैसे मार्केट से हम सब्जियां वगैरह लाते हैं, ये देखें, तो इससे पकड़ के कितनी जल्दी साफ होते बाल, ऐसे पकड़ें और ऐसे खींच लें, ये देखें बिल्कुल साफ होगी एक ही राउंड में, क्योंकि ये खुरदरी होती है, खसखसी होती है, ऐसे इधर भी घुमा दें इसे, थैली से सारे बाल इसमें आ जाएंगे, कोई भी देरी नहीं लगेगी। अभी मैं साफ करके बताऊंगी आपको, ये देखिए इस तरह से झटपट से साफ हो जाती है, ऐसे पकड़ें और सारे बाल एकदम से थैली के अंदर और बिल्कुल क्लीन, ये देखें ये आगे बाल थैली में। तो इससे अच्छा तरीका तो और हो नहीं सकता है, देखें यहाँ अभी पूरे में कोई कपड़े भी नहीं करे, कोई कुछ नहीं, थैली पकड़नी और ऐसे, ये देखें एक ही उस राउंड में बाल साफ।
एक आधा बच एक का दुक्का बच भी गए बाल, तो अभी खुले पानी से धोनी भी है तब भी इसके बाल निकल जाएंगे। तो मैंने सोचा बैठे बैठे मैं क्यों ना ये काम कर लूं। ये देखिए इस तरह से इसकी सब्जी कैसे बनती है, बहुत ही टेस्टी। ये देखिए इस तरह से एक ही राउंड में फटाफट साफ। अब लेंगे हम दूसरी, इसका भी यही प्रोसीजर रही हूँ। बस यहाँ से पकड़ो इसको चोटी से और ऐसे खींच लो, बाल साफ, एक ही राउंड में बाल साफ है। ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा छांटने बैठे हो, बस जहां जहां बाल है वही थैली से ऐसे साफ कर ले। देखिए बिल्कुल साफ हो गए, क्योंकि इसमें बाल तो रहने नहीं चाहिए, पेट दर्द होती है जैसे मैंने बताया। ये देखें एक ही बार में साफ, ये भी एक ही बार में साफ, और कोई कपड़ा लेके धोने का भी पंगा नहीं है। देखिए फिर थैली को कूड़े में डाल दें। अभी इसका जो बेकार हो गया यहाँ से जैसे खराब है, तो भी इसी थैली के अंदर कूड़े में फेंक दें, तो थैली भी आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। ये देखिए जैसे इस ये भी खराब ही है, और आधी आधी यहाँ से तोड़ दूंगी मैं, जो सख्त है वो तो डालनी नहीं है बिल्कुल ही। तड़का भी सिंपल ही इसका, ये देखें एक ही राउंड में साफ बिल्कुल। बैठना इनको देखो जो मेहनत करके लाते इतने दूर से, एक ही जगह नहीं मिलती है, जगह जगह मिलती है, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसको उठाने को भी। जगह जगह सांप का भी डर ही होता है वैसे इसके बीच, तो बहुत ज्यादा सांप का भी डर, और ऊपर से गर्मी, बेचने के लिए क्या क्या नहीं करते बेचारे, ये कितनी मेहनत करते हैं। देखिए गंदियां निकल रहा है सारा, कितनी मेहनत करते हैं, और फिर हमें बजट में देते 10-20 की, तो क्या महंगी है हमारे लिए। क्या आता आजकल 10-20 का बताओ, 100 रुपए की वैल्यू 10 रुपए के बराबर रहेगी, ये 500 की 100 के बराबर रहेगी आज के टाइम में, इतनी महंगाई है। इसका अचार भी पड़ता है, अगर डालना हो तो अचार भी, और सुखा के स्टोरेज करके भी रख सकते, जरूरी नहीं है कि अभी लाई और अभी खा ली। आजकल धूप भी तेज होती है, गर्मी आए तो ला करके 3-4 किलो ले आओ और सुखा दो, बहुत जब मन करे तभी खा सकते इसको। ऐसा नहीं कि हरी है तो अभी लाई और अभी खाई फिर खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसको स्टोरेज करके रख सकते सुखा के, बहुत ही अच्छी लगती है सुखा के भी, और धूप तो है ही है, एकदम सूख जाएगी, कड़ाके की धूप लगती है आजकल तो, एकदम सुखा के ढेरों ढेर रख लो, फिर बीच में जब इसका सीजन खत्म हो जाएगा तब भी खा सकते आप, स्टोरेज करके रख सकते सुखा के, तब भी खा सकते हैं। ये खुली हुई और जहरीली होती है, इतनी पहचान करते हुए इतना दिमाग लड़ाते हुए, बहुत मेहनत करके लाते ये लोग, बहुत मेहनत करके। तो ये देखे मेरे हो चुकी है साफ, तो मैं इसे धोने जाती हूँ। अब फिर कच्चा काटते काटते मैं इसके नाम भी बता दूं क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, तो जितने मेरे को पता है उतने नाम मैं जरूर बताऊंगी। और जैसे मंडी में बोलते हैं लिंगड़ इसको, जहां तक मेरे को जितना पता है, और उत्तराखंड में बोलते हैं लैंगुड़ा, अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, इसमें हंसी वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। मंडी में लिंगड़ बोलते हैं, और उत्तराखंड में लैंगुड़ा बोलते हैं, और किन्नौर में लैंगुटे बोलते हैं इसको। और जैसे जितने भी है उसमें यूट्यूब चैनल में, मैंने तो कभी नहीं सुना कि लैंगुटे भी बोलते होंगे, पता नहीं क्यों नहीं बोलते, क्या शर्म लगती इन शब्द को बोलने के लिए। किन्नौर में लैंगुटे बोलते हैं इनको, लिंगड़
ये देख सकते हैं आप, पानी गर्म हो गया है। अब इसमें डालते हैं हम नमक। नमक के बाद जो है ये सब्जी मैंने दोबारा से धो ली थी, कहीं थोड़े बहुत बाल रहे भीगे हो गए तो इसमें निकल जाए। तो ये लिया है मैंने रिफाइंड, क्योंकि सरसों ऑयल मेरे ख़त्म हो चुका है। और ये देखें अब डालते हैं हम जीरा। नमक कम ही डालना है क्योंकि ऑलरेडी हम पहले उबलती बार भी डाल चुके हुए, तो नमक थोड़ा कम ही डालें। सिर्फ जीरे का तड़का लगेगा इसमें, हल्दी थोड़ी सी। बोलते हैं ना हरी सब्जी में हल्दी कम डालनी चाहिए, क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक होती तो ये ख़त्म कर देती है। इसके गुण को भी ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए, हरी सब्जी में बहुत कम डालते, लिमिट में ही हल्दी। और लाल मिर्च धो लूँगी मैं। लाल मिर्च में जो है कट पहले ही लगा लें, और वरना सीधी उछल के मुंह पे आती है। मेरे भी आई थी एक दिन, उछल के मुंह पे बजी सीधी गरम गरम मिर्च, तो इसमें मैंने कट लगा दिया। देख सकते हैं आप, छुरी से कट लगा के तब डालें फिर, क्योंकि जैसे ये गरम में जाती है तो बेशक पकी हुई है और फूल जाती है, अंदर हवा भर जाती है और उछल के आ जाती है, तो इसलिए मैंने कट लगा दिया है। अब उछलेगी तो पता नहीं, कट तो लगा दिया है मैंने, छुरी से लगाए कट इसमें, फिर भी उछली तो पता ही नहीं, अब उछलेगी तो नहीं दोबारा। ये देखें हो रहा बड़ा, और अब भी इससे अच्छे मेल्ट होने के बाद डाले नमक। बस अब थोड़ी बहुत रहेगी तो स्टीम से हो जाएगी, थोड़ी बहुत जो भाप बनेगी इसकी गरम, उससे भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें सब कुछ। तो ये थी मेरी डिंगर की सब्जी पे वीडियो, कैसी लगी ज़रूर लिखें। मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर विद कमेंट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।